हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यादव मुकेश राज एंड आप देख रहे हैं एमजी एडिट जॉन। सो गाइस, आज के एडिटिंग में आप लोगों को कुछ ही स्टेप से डुअल टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एंड पिक्सआर्ट एप्लीकेशन की सहायता से। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कम्प्लीट देखना एंड हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपना लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे एंड अपनी गैलरी से एक फ़ोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। ओके गाइस, जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ एंड यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो को लेता हूँ, जैसे मैं इस वाला फ़ोटो को लेता हूँ एंड ऐड पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फ़ोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी है। ऑल फोटोज पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर है हमारी फ़ोटो, इस पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है एंड एडिटिंग के लिए ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में जाएंगे कलर पे, इस वाला आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो गाइस टेम्परेचर की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +20 एंड यहाँ से टिंट की वैल्यू को भी थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। तो गाइस, टिंट की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +14 एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो गाइस, वाइब्रेंस की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +10 एंड यहाँ से सैचुरेशन की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +15 एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाला आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले स्किन टोन को सही करेंगे, तो उसके लिए हम ऑरेंज कलर पे जाएंगे एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को हम डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो गाइस इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं -39 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो ब्राइट लगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं +10 एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू को कर देंगे +100 एंड यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो गाइस इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +70 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे। तो गाइस, इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +21 एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो गाइस इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +71 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +10 एंड ऊपर से कर देंगे डन एंड नेक्स्ट जाते हैं इफेक्ट के ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो गाइस क्लैरिटी की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +19 एंड यहाँ से डीएच की वैल्यू को भी थोड़ा सा हम इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, डीएच की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +6 एंड नेक्स्ट जाते हैं डिटेल के ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं +15 एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को भी थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, तो इसे रखते हैं +10। सो गाइस, लाइटरूम में हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जाएंगे हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो उसके लिए हम शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शेयर टू का ऑप्शन आएगा एंड अपने मोबाइल पे जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है यहाँ पे शो करेगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, हमें अपना पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेनी है। तो गाइस, चलिए मैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, सो गाइस यहाँ से हमें अपने मोबाइल को पोर्ट्रेट मोड में रोटेट कर लेनी है। ठीक है, एंड नेक्स्ट जाते हैं ऐड फोटो का ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड अपनी गैलरी से एक पीएनजी ऐड कर लेंगे। जैसे मैं इस वाले पीएनजी को लेता हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, सो गाइस हमारी जो पीएनजी है ऐड हो चुकी है, तो क्या करना है, पीएनजी का ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ब्लेंड का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से ऐड ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, एंड अपनी फोटो को कुछ स्टेप से छोटा कर लेनी है एंड अपने पीएनजी को कुछ स्टेप से फोटो के हिसाब से बड़ा कर लेनी है और इसे परफेक्ट रूप से कुछ स्टेप से एडजस्ट करनी है। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू को इतना पर रखता हूँ। ठीक है, एंड ऊपर देखिए टिक का साइन है, यहाँ से कर देंगे डन एंड नेक्स्ट जाते हैं इफेक्ट के ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जाएंगे हम कलर्स के ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ आपको सेकंड नंबर पर कलर रिप्लेस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हमको क्लिक करना है और जो सर्कल आइकन दिख रहे हैं उसको कुछ इस टाइप से अपनी बैकग्राउंड पे स्लाइड करते हुए सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो मुझे ये एरिया चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हैं जो हमारा सिलेक्टिव एरिया का टोन है वो चेंज हो चुका है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो ऊपर में दिया हुआ है रिप्लेस ह्यू, यहाँ से इसकी वैल्यू को हम कम ज़्यादा करेंगे तो जो हमारा सेलेक्टिव एरिया का टोन है वो चेंज होगा। तो मैं इसकी वैल्यू को यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं 334 एंड उसके नीचे देखिए मेन ह्यू है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं प्लस 50 एंड नेक्स्ट जाएंगे हम इरेज के ऑप्शन पे। ऊपर में देखिए इरेज का ऑप्शन है, इस वाला आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से जो भी हमारा जो PNG है उसका एक साइड का एरिया को हमें रिमूव करना है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से, तो चलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में कर देता हूँ ताकि टाइम को देखते हुए आप भी बोरिंग होते हैं यार, लेकिन बोरिंग नहीं करना हूँ, फालतू चीज़ नहीं बकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से रिमूव करेंगे, अगर कहीं मिस्टेक हो जाएगी तो यार उसके लिए सॉरी रहेगा। आप अपनी फोटो पे जब करिएगा तो आसानी से करिए एंड स्लोली टाइप से, ठीक है। कुछ इस टाइप से हम रिमूव कर लेंगे एक एरिया का, ये हो गया एंड ऊपर राइट साइड में देखिए टिक का साइन है, यहाँ से कर देंगे डन एंड फिर से डन। जो हमारा फोटो है वो डॉल 10 में एडिट हो चुका है, लेकिन हमें क्या करना है, नीचे का कलर हमें ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा है, उसे दूसरा कलर पे रखना है, ठीक है। तो फिर से जाएंगे हम इफेक्ट के ऑप्शन पे एंड यहाँ पर फिर से कलर पे आ जाना है एंड यहाँ पर फिर से सेकेंड वाले कलर रिप्लेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ से फिर से सर्कल वाले आइकन को स्लाइड करके कुछ इस टाइप से सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर हम जो नीचे का भाग है उसे कुछ अलग कलर में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चलिए मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाता हूँ, लगभग इतना, ठीक है। एंड फिर क्या करना है, जो हमारा है ऊपर राइट साइड में टिक का साइन, यहाँ से कर देना है डन। सो गाइस, जो हमारा डुअल टोन का एडिटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस फोटो को सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉ टूल पे जाएंगे, ठीक है, पेंसिल वाले आइकन पे, इस वाले आइकन पे एंड यहाँ से ड्रॉ पेंसिल पे क्लिक करेंगे एंड ऊपर 3 डॉट है इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से सेव इमेज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से सेव कर देंगे इमेज को, ठीक है।